अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? काम रेगुलर बेसिस पे हो रहा है या नहीं हो रहा? आज की वीडियो में हम बात करने जाएंगे कि कुछ ऐसी टिप्स और टेक्निक्स जो किसी भी स्टूडेंट को अगर बता दी जाएं या वो बच्चा खुद ही आइडेंटिफाई कर ले तो वो किसी भी एग्जाम के अंदर टॉप कर सकता है। जो भी उसको पर्टिकुलर चीज़ चाहिए उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छे एडवांस लेवल पे एक्सेल कर सकता है। चाहे आप 9, 10, 11, 12 आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी या कोई भी आप पर्टिकुलर फील्ड या पर्टिकुलर लेवल पे हो, आप अगर अपनी टेक्निक्स ये वाली अप्लाई करेंगे, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप थ्रू एग्जाम उसको हासिल करेंगे, आपका कोई भी स्किल सेट है या कुछ भी है, आपको उसमें कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, आपको अपनी कुछ हैबिट्स ऐसी बनानी पड़ती हैं, तो उन टेक्निक्स उन टिप्स के ऊपर आज की वीडियो पूरी डिपेंड करेगी। अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो मेरा फोकस आपके लिए है, बाकी कोई भी अगर इसको देखता है, इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसको भी हेल्प होगी। तो अगर आपको एग्ज़ाम में, फॉर एग्जाम्पल, आप नई क्लास में आए हैं, आप अभी पहली 9 क्लास में आए हैं या 10, 11, 12 किसी भी क्लास में, आप पहला आपका डे है या आपका पहला मंथ है और अब आपको अपना पूरा ईयर आगे कैलकुलेट करना है, या इवन आपके एग्ज़ाम में 2-3 महीने रह गए या 4-5 महीने रह गए और आपको अपना आगे का पूरा हिस्सा देखना है कि आप कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कुछ टेक्निक्स यहाँ पर आपको देखनी है। तो 8 से 10 टेक्निक्स और टिप्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला ये कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। आप जिस भी क्लास के अंदर हैं, आप जिस भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सिस्टम है उसमें आपका सिलेबस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, सिलेबस आपको फ्रॉम द बिगिनिंग पता होता है। और अगर आपको नहीं भी पता तो हर इदारे में पहली क्लास जो आपका ओपन डे हो या आपका फर्स्ट डे हो इन योर क्लास, जो भी हो, उसके अंदर आपको पूरे सेशन क्या पढ़ना है वो बता दिया जाता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में भी हैं तो आपको पहले दिन बता दिया जाता है कि हमारा ये आउटलाइन है, ये हमारा सिलेबस है, ये किताब है, यहाँ से हम ये करेंगे। और अगर नहीं भी आपको पता चलता तो जो आपके सीनियर्स गुजर चुके हैं उनके पास पूरा, जाहिर उन्होंने पढ़ा होता है, वो पूरा कोर्स उनका कंप्लीट हो चुका होता है, उन्होंने एग्जाम्स दिए होते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या आउटलाइन है, क्या कुछ है। आप उनसे चीज़ें लेके अपने आप को पहले से प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस को जब आपको पता चल गया तो आपको अब अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 12 के अंदर हैं, आपको पता है कि आपके ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने पूरे साल में पढ़ने हैं। लेट्स से मैथ की बात करते हैं या केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें आपके पास सपोज 10 चैप्टर हैं। अब वो 10 चैप्टर आपको पता चल गए, अब 10 चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक से ही आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। वो आपको जब पता चल गए, सिलेबस कंप्लीट आपको पता चल गया कि आपने ये 10 चैप्टर पढ़ने हैं, अब उसके बाद जो आपके इजाफी मटेरियल है, रिसोर्सेज जो हैं, उसके ऊपर अगर आप देखें तो अब वो किसी भी इदारे के नोट्स हो सकते हैं, कोई रेफरेंस बुक हो सकती है, आपके पास्ट ईयर पेपर हो सकते हैं, आपके कॉलेज के जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। हमेशा जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आपके पास ये रिसोर्सेज आपके सारे इकट्ठे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ने बैठे हैं तो आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास अगर सिर्फ है, साथ में आपने नोट्स रखे हुए हैं, आपने 2-3 और जगहों के आपने रेफरेंस बुक या नोट्स वगैरह अपने पास इकट्ठे करके उसी टेबल पर रखें, तो ये सारे रिसोर्सेज जब होंगे तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जहन में ये नहीं होगा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आ गए। A to Z आपने अपने पास सब कुछ रखा होगा तो जाहिर है आपका काम भी अच्छे तरीके से 100% जितना आप एफर्ट कर सकते थे वो आप करेंगे अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। तो पहली हमें बात क्लियर हो गई कि आपके पास सिलेबस और रिसोर्सेस क्लियर होने चाहिए। दूसरा होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। आपका जो भी पढ़ने का हिस्सा है, जो भी आपके घर में एरिया आपने डिसाइड किया हुआ कि यहाँ मुझे बैठ के पढ़ना है, तो वो आपका पहले से डिसाइडेड होता है। आप बेड पे बैठ के नहीं पढ़ते, क्योंकि बेड की जो रिक्वायरमेंट है या बेड की जो एक्चुअल यहाँ पर पर्पस है, वो वहां पे आपको सोना है। आप बेड पे बैठ के जिस तरह खाना नहीं खाते, और अगर खाते तो वो गलत बात है, आपके पास डाइनिंग टेबल का पर्पस होता है कि आपने वहां पे बैठ के खाना खाना है, आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के सो नहीं सकते। इसी तरह बेड का पर्पस है कि आपने बेड में सोना है, वहां पे बैठ के आप पढ़ नहीं सकते। आप अपनी स्टडी टेबल एक बनाते हैं और उस स्टडी टेबल में आप अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करते हैं। वहां पर आपके पास डिस्ट्रेक्शन कोई नहीं होनी चाहिए। जब आप बैठे हुए हैं अपनी स्टडी टेबल में, तो वहां पर आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आपका स्टडी मटेरियल हो, सारा उस टेबल में मौजूद हो। आपको कोई चीज़ उठाने के लिए, आपको कोई चीज़ चाहिए उसके लिए बैग ना खोलना पड़े, ना ही आपको दूसरे कमरे में जाके किताब उठा के लानी पड़े, इस तरह से कुछ सारा कुछ उधर ही
इसी जगह पर मौजूद होना चाहिए। आप अपने कंट्रोल करते हैं एनवायरनमेंट को, आप अपने कमरे के अंदर अगर स्टडी टेबल बनाया तो उस कमरे में बिला वजह लोगों को आने नहीं देते, आप डिसाइड कर देते हैं घर पे, बता देते हैं कि ये टाइम स्लॉट है, फॉर एग्जाम्पल इतने बजे से लेके इतने बजे तक मेरे पास ये टाइम स्लॉट है, इसके अंदर मुझे कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं चाहिए, कोई घर में छोटा बहन भाई या कोई भी अम्मी अब्बू अभी इस वक्त नहीं आएंगे, कोई भी काम है तो इतने बजे से इतने बजे तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं, इसके बाद आप बिल्कुल बुला लें तो मसला नहीं है। आपके दोस्त वगैरह हैं तो उनको भी पहले से क्लियर करते हैं, अव्वल तो दोस्तियां आखिर का जो ये टाइम पीरियड होता है 3-4 महीने का जिसमें आपके एग्जाम है, उसमें तो दोस्तियां निभाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आपका दोस्त है उसको भी एग्जाम में अच्छा करना है, उसको भी अपनी जिंदगी में कुछ बनना है और आपको भी जिंदगी में कुछ बनना है, तो दोनों के पास अपना अपना पर्पज है, तो अपने अपने पर्पज को आगे लेके चलें, ना कि दोस्तियां बढ़ाएं। तो फिर भी आप एक टाइम डिसाइड करते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई दोस्त आ भी जाए घर पे तो उसको वक्त नहीं दूंगा, उसको भी पता होना चाहिए मेरा स्केड्यूल क्या है, तो अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आपने अपने कमरे की सफाई करनी है और आपका कमरा आप लगे में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं और फिर मैं दूसरे कमरे की खिड़कियां दरवाजे सब खोल के सारी मिट्टी आपके कमरे में फेंकना शुरू कर दूँ, तो आप तो लगे रहेंगे, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। आप छत पे जो है पोछा लगाना शुरू करते हैं, हर 10 मिनट बाद आपकी मिट्टी आ जाएगी, तो आप एनवायरनमेंट अपना कंट्रोल करते हैं, आप उस जगह को जहां पर आपको बैठ के पढ़ना है वहां पर आप बाकी तमाम चीजें हटा देते हैं। अगर घर पे कोई शोर मचा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको बताते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं, और अगर कुछ नहीं हो रहा तो आपने कमरे के अंदर कुछ ऐसे काम करते हैं, आप कुछ भी, आप फॉर एग्जाम्पल पर्दे लगा दें, आप किताबों का बुक रैक बनवा दें, आप वहां पर फॉर्म लगा दें जहां पर साउंड प्रूफिंग हो जाए। अपना एनवायरनमेंट खुद कंट्रोल करना है, कोई आपको बुलाता है दोस्त तो उसके साथ नहीं जाना, आपके पेरेंट्स आपको हर थोड़ी देर बाद आवाज देते हैं कि बेटा ये चीज निकाल दो, ऊपर छत से ये उतार दो, ये ढक्कन है ये खोल दो, ये इस तरीके से अगर आपको कोई बार बार बुलाता है तो आपको उसके लिए मना करना पड़ेगा, ये आप खुद कंट्रोल करते हैं। तो दूसरा आपका है कि आपको अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करना है, अगर आपकी स्टडी टेबल है वहां पर आप बैठे हैं पढ़ने के लिए तो वहां पर आपको पढ़ना है, वहां पर आप एक सिस्टम बना लें कि लैंप आपने लगा दिया, अब जब तक वो लैंप ऑन रहेगा मैं उस वक्त पढ़ूंगा, मेरा फोकस उसी पढ़ाई पे होगा, जैसे ही मेरा फोकस हटा तो मैंने वो लैंप बंद कर देना है। अब जब मेरा फोकस हटेगा तो मुझे पता होगा कि मैं पढ़ नहीं रहा, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये फीड हो रहा होगा कि इस वक्त मैं वक्त जाया करूं, बेशक मेरे दिमाग में पढ़ाई से रिलेटेड थॉट्स ही आ रहे हैं लेकिन जो मुझे टास्क है इस वक्त का वो मैं नहीं कर रहा, तो मेरा लैंप बंद होगा, और जब मेरा लैंप बंद होगा तो इसका मतलब मेरा फोकस कहीं और है और मैं पढ़ नहीं रहा, और जैसे ही फोकस वापस आया लैंप ऑन हो जाएगा। तो आप खुद एनालाइज करेंगे कि आप जब पढ़ने बैठेंगे तो शुरू में बहुत आपको मुश्किल होगी, बहुत परेशानियां आएंगी, आपका लैंप बार बार खुल रहा और बंद हो रहा होगा, तो आपके पास ही बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपके पास एक प्रॉपर सेगमेंट आ जाएगा, 1-2 घंटे का या 3 घंटे का फोकस स्पैन आ जाएगा, कंसंट्रेशन स्पैन आ जाएगा कि जिसमें आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, आपका लैंप बंद नहीं हो रहा होगा, आपके थॉट्स कंट्रोल में होंगे। एक इंसान को एक दिन में नॉर्मली 60,000 थॉट्स आते हैं, और ये थॉट्स आपके आपके जो प्रीवियस 2 to 3 days गुजरे होते हैं, 2 से 3 दिन पुराना जो कुछ आपकी जिंदगी में हुआ वही आपके दिमाग में चल रहा होता है, आपके दिमाग में ये थॉट्स खुद ही आते हैं, आपको उनको कंट्रोल नहीं करना, आपको इसको लिमिट करना है। आपके ये जो थॉट्स जनरेट होते हैं ये बेसिकली आपके 5 senses हैं, आप कुछ देखते हैं, आप कुछ सुनते हैं, आप कोई चीज स्मेल करते हैं, कोई खाना खाते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ फील करते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी सेंसेस आपके माइंड में जाके बैठती हैं और फिर आपके उससे रिलेटेड थॉट्स जनरेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे थे और आपने कहीं एक्सीडेंट देख लिया, आपने देखा, आपने उसको सेंस किया, आपने उसको फील किया, जब आप कोई चीज फील करते हैं तो आपके दिमाग में चलती है, अब वो पूरे 1 हफ्ते तक दिमाग में वो एक्सीडेंट चल रहा होगा। आप कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप घूमने फिरने चले गए, आप अपने मुल्क में घूम रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज में गए हैं, आप जहां पर भी हैं आप घूमने चले गए, अब आप 1 हफ्ते तक जहां पर आप घूमने गए थे वही आपके दिमाग में चलता रहे क्योंकि आप उसको फील कर चुके हैं, तो ये फीलिंग्स आपके दिमाग के अंदर चलती रहती हैं कॉन्स्टेंटली। तो आपको अपने ये सारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना होगा, और ये थॉट प्रोसेस जब कंट्रोल करेंगे तो ही आपका एनवायरनमेंट कंट्रोल होगा, तो ही आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कटेंगी और आपका माइंड फोकस होगा। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपका काम है, जो भी आप कर रहे हैं उसको आपने प्रैक्टिस करते रहना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ्स की बात करूँ, आपका मैथ्स अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके पास उस सब्जेक्ट को 2 दिन बाद आपको सिर्फ 10% याद रहेगा। तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है, प्रैक्टिस कैसे होगी, रिवीजन से। अगर आपने 5 से 6 दफा प्रैक्टिस की है तो ही आपका काम
सही तरीके से चलता रहेगा। ये आपका तीसरा पॉइंट था। अब आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पता है कि आपके रिसोर्सेज कहाँ से, आपने वो चीज़ पढ़नी है, आपने अपना डिस्ट्रैक्शंस काट दी, आपने अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल कर दिया, आपने अब जो पढ़ा है अब अपना फोकस बना लिया, आप जो पढ़ रहे हैं उस पर आपका टाइम प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है, तो अब आपके पास नेक्स्ट आता है कि आपने पॉजिटिव रहना है। आप पॉजिटिव रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसा होता है कि आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, एक्स वाई जेड एनी रीजन, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है, आप किसी परेशानी में, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपको किसी ने बुरा भला कह दिया, कुछ भी रीजन, 4,000 रीजन हो सकते हैं, जो भी रीजन था, अब आपको अपने साथ पॉजिटिव रहना है। फॉर एग्जाम्पल आप देर से सोए और आपको सुबह आपकी मम्मी ने 4-5 दफा डांट के उठाया, आधा दिन आप गुजार चुके हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट अब करने जा रहे हैं, अब आपका जो बाकी आधा दिन गुजर गया आप उसमें आप अपने नेगेटिव वाइब से क्योंकि उठे थे, आपका दिमाग अब नेगेटिव सोचेगा, आप बोलेगा आधा दिन तो गुजर गया, बाकी आधा दिन कैसे मैनेज करूँ, उसको भी आप मैनेज करने के कॉन्सेप्ट को लेते हुए अपना वक्त जाया करेंगे और इवेंचुअली आपका एंड में जो भी काम कर रहे थे अब उसमें उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो ये सारी आपके पास जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो जाहिर है आप अपने आप को डाउन फील करेंगे, आप चीज़ों को प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं लेके चलेंगे। तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है कि आप पॉजिटिव रहते हैं, बी पॉजिटिव। आपका अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो बी पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा और कभी भी किसी भी नेगेटिव बात को दिमाग पे हावी नहीं होने देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा कि आपके इस साल फॉर एग्जाम्पल इस सब्जेक्ट में मोर देन 90% या 100 मार्क्स पूरे आएंगे, तो अब आपने अपने दिमाग को बार बार रीअफर्मेशन करनी होती है, आप दिन में 25 दफा 30 दफा बार बार बोलेंगे कि मेरे दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठ जाए, आप बार बार बोलेंगे इस साल तो मैं इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लूंगा, इस साल तो मेरी ये परसेंटेज आएगी, बेशक आज तक आपकी 40-50% आती है, लेकिन अब अगर आपने ठान लिया कि अब ये पूरा साल है इसमें मेहनत करनी है और मैंने इस साल इतनी परसेंटेज लेनी है और रोजाना आप बोलें, तो एक वक्त आएगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आप ना चाहते हुए भी वो आपको रोकेगा, वो आपको बोलेगा कि आपने तो ये काम करना था, अब इसके ऊपर मेहनत करो, इस चीज पर वक्त जाया ना करो, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको इस बात के अंदर कॉन्फिडेंस देगा के हाँ कर सकते हैं, आपका दिमाग ही बोलेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और तब जाके आप एक वक्त आएगा उसको इवेंचुअली कर लेंगे। तो हमेशा अपने साथ पॉजिटिव रहना है। इस दुनिया के अंदर आपके पेरेंट्स और आपके अलावा कोई भी सिंसियर नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिए। जो भी आपका दोस्त हो या कोई भी बहुत अच्छा आपका जानने वाला हो, कुछ भी हो, वो तक आपके साथ सिंसियर नहीं जितना आप और आपके पेरेंट्स आपके लिए हैं। आप अपने साथ जितना सिंसियर होंगे इस दुनिया में कोई इंसान आपके लिए सिंसियर नहीं होगा। तो अपने साथ सिंसियरिटी दिखानी है और अपने काम के अंदर फोकस लाना है। इस दुनिया के अंदर एक बार जहन में रखें कि यूं समझें कि एक आप ओशन में हैं, वहां पे शार्क ही शार्क हैं और आप अपना जो है खून बहा रहे हैं वहां पे, तो जाहिर सी बात है शार्क आपको खाने के लिए आएंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आपके घर में कोई भी मसला चल रहा हो, आपके साथ कोई मसला हो, कुछ भी हो, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। अपने पेरेंट्स से अगर मसला है तो अपने साथ शेयर करें, बराबर वाले को बहन भाइयों के साथ शेयर कर लें तो चले ठीक है क्योंकि वो आपकी फैमिली है, लेकिन बाहर के किसी बंदे को, अपने दोस्त को या किसी को भी बताने से नुकसान आप ही का है, वो बंदा हंसेगा, क्योंकि आपको अब नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट कि आपको एक्सक्यूज नहीं बनाना। फिफ्थ टिप क्या है, एक्सक्यूज नहीं बनाना। आपने अपनी जिंदगी में एक्सक्यूज नहीं रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका आज वक्त जाया हो गया, जिस वजह से भी हुआ अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देना, आपने अपने ऊपर सारी बातें लेनी कि मेरी वजह से हुआ, अगर मैं देर से उठाऊं रात को, बेशक फैमिली के साथ पे किसी की शादी अटेंड करके आ रहे थे, 2-3 बज गए रात के और देर से हम सो के उठे, खाना खाया हुआ था पूरा फुल लोडेड होके आए थे तो नींद भी सही से नहीं आई और सब कुछ हो गया, ये सारे एक्सक्यूजेज हैं, अपने ऊपर बोले। आप ये कह सकते हैं कि चलें वहां जाना था, पता है कि रात को सोना है, मैं कम खाना खा लेता, और अगर पता है कि मुझे पढ़ना है, मेरा स्केड्यूल खराब होगा तो मुझे जल्दी निकल आना चाहिए था, फैमिली को लेके जबरदस्ती निकल आते। तो अपने ऊपर चीजें लें और अपने ऊपर चीजें लेने के बाद उसको पॉजिटिव रखें कि अब आइंदा ऐसा होगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये आपको कुछ अपने माइंड में रीवायरिंग करनी पड़ेगी। तो एक्सक्यूज नहीं देना, और इस दुनिया में तो किसी दूसरे इंसान को अपनी कमियां अपनी परेशानियां बतानी ही नहीं है। जो कुछ है प्रॉब्लम अगर, तो अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, यानी अपनी फैमिली को बताएं, और अगर अपनी फैमिली से किसी को प्रॉब्लम है तो अपने आप को थोड़ा सा चेक करवाएं
और अगर नहीं तो अपने आप को प्रॉब्लम बताएं। एक वक्त आएगा कि आप कुछ महीनों बाद ही वो जो प्रॉब्लम आज आपको नजर आ रही है, आज से 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिफ्थ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सक्यूज नहीं देना, जो कुछ है अपने ऊपर लेना है, आपकी गलती है, अब आपको सुधारना है। और फोर्थ पॉइंट था कि आपने पॉजिटिव रहते हुए सुधारना है। तो अपने ऊपर सब कुछ लें, और जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में, हर इंसान आपको नीचे गिराने पे लगा हुआ है। आप एक मौका दें, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा वो भी आपको किसी ना किसी पॉइंट पे धोखा दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा सारे दोस्त ऐसे होते हैं, लेकिन इस दुनिया में सिंसियर आपके अलावा आपके पेरेंट्स हैं और आप हैं। इस दुनिया में तीसरा कोई और इंसान नहीं है जो आपसे ज्यादा आपके लिए सिंसियर हो। होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन सिंसियरिटी की बात आती है तो वो आप अपने साथ जितना सिंसियर है कोई दूसरा नहीं हो सकता। अभी आपको हो सकता है बात समझना है, आप अगर छोटे हैं तो, लेकिन इवेंचुअली वक्त के साथ साथ आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो अब इसी के साथ, आपने जब ये सारे चीज़ें अपने कर ली हैं प्रॉपर, तो अब आपको सिर्फ पढ़ने बैठना है। आपने अपना एनवायरनमेंट जब पूरा बना दिया तो अब आपको पता है कि आपका स्केड्यूल क्या है, आपने कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ने बैठना है, कितने बजे स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है, जहां पर भी आप चाहते हैं, आपने कितने बजे कोचिंग जाना है, ट्यूशन जाना है, जो भी है, आपको पता है कि आपके दिन में ये पर्टिकुलर स्लॉट है जिसमें आपको पढ़ना है। अब उस पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर आपने सबसे पहले अपने टाइम को इस तरह मैनेज करना है कि रात को आपको प्रॉपर स्लीप मिले, आप रात में प्रॉपर सो रहे हो। जो आपका निजाम है एक मुसलमान होने के तौर पे, आपका एक सिस्टम बना हुआ है कि रात को आपको जल्दी सो जाना है, आप जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, या मैक्सिमम आप रात को 1-1.5 बजे तक सो जाएं, और उसके बाद सुबह आप 6-7 बजे तक उठें। नमाज अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर की तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, अगर मुसलमान है तो नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़ें, और बेशक उसके बाद सो जाएं, लेकिन आपका टाइम ऐसे मैनेज होना चाहिए कि आपको 6 to 7 आवर की स्लीप मिले अ डे, इन अ 24 आवर आपको 6 से 7 घंटे मिनिमम मिलने ही चाहिए। तो आपको इस तरीके से अपना स्केड्यूल बनाना है। जो लोग रात को जाग के पढ़ते हैं तो वो इवेंचुअली कभी ना कभी अपना बर्न आउट पोजिशन पे आ जाते हैं, कभी ना कभी उनका दिमाग जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं, उनकी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। तो हमेशा अगर आप रात में पढ़ने के आदि हैं शुरू से, तो हमेशा आपको फिर उसी स्केड्यूल को लेके चलना पड़ेगा जब तक उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और अगर जहां पर आपको लगे कि आप रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो अपनी हैबिट्स चेंज करें, अपनी रूटीन चेंज करें। मैं प्रेफर करता हूँ रात को पीसफुल स्लीप लें, अच्छे से सोएं, और सुबह से अपना टाइम स्केड्यूल स्टार्ट करें और दबा के अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। तो जब आपने अपना स्केड्यूल तैयार कर लिया, आपके पास 6 पॉइंट था कि आपने पढ़ लिया, आप रात को सो गए, अब जब आपने ये सारा काम कर लिया, आपके पास अच्छा खासा स्केड्यूल बना हुआ है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट के मुताबिक आपको अपना डेली प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, आपको अपना स्केड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल से अक्सर लोग घबराते हैं, तो वो उसके लिए हम यहाँ पर कहते हैं कि आप एक चेकलिस्ट बना लें। चेकलिस्ट में ये होता है कि आपने अपना जो कुछ काम करना था उसको एक जगह लिख लिया कि ये काम आपको करना, फिर आप टिक करते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये टाइम टेबल की तरह है, लेकिन टाइम टेबल आपको फॉलो करना पड़ता है। चेकलिस्ट में आपको एक पर्टिकुलर पता होता है, आप डेली बेसिस पे बना सकते हैं, आप वीकली बेसिस पे भी बना सकते हैं, आप मंथली बेसिस पे भी बना सकते हैं। तो आपका चेकलिस्ट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर वन आपने पढ़ा, उस चैप्टर वन को पढ़ने के बाद अब आपने ये देखना है कि क्या मैंने उसके पास्ट 10 ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस कर लिए, क्या मैंने उसके एमसीक्यू सारे कर लिए, क्या मेरे पास जो सैम्पल पेपर था ये जो क्लास के अंदर टेस्ट हो रहे थे या जो कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन है, क्या वो सारे मैंने कर लिए, क्या मैंने उसकी 5 से 6 दफा रिविजन कर लिए। यानी कि आपने ये चेकलिस्ट बना ली, रिविजन करते वक्त आपने कहा कि आज पहली दफा रिविजन हो गई, फिर आपने कहा दूसरी दफा रिविजन हो गई। तो उसका जो तरीकेकार पुराने जमाने में होता था, जेल के अंदर जो लोग होते थे वो ये करते थे कि 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजर गए, 5वां दिन गुजर गया। तो इस तरीके से अपना जो भी आपने रखना है वो आप काउंटिंग टेक्निक रखें, और फिर आप कहें कि हाँ मैंने अब इसको 4, 5, 6 दफा रिवाइज कर लिया। और फिर भी अब 5, 6 दफा लोग कहते हैं कि कैसे करें रिवाइज, तो आपने एक दफा पढ़ा, अब जिस दिन पढ़ा उस दिन आपको वो रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो आपको 2 दिन बाद वो जो आपने 100% पढ़ा, अब अगर 10% वो याद रहेगा, आपने रिवाइज नहीं किया, तो जाहिर है आपको फर्स्ट डे रिवाइज करना है। आपको फिर उसके 1 हफ्ते बाद, फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट होता है या कुछ भी, आपने 1 हफ्ते बाद उसको लाजमी रिवाइज करना है कि 2 रिविजन हो गई। फिर आपका कोई दूसरा टेस्ट हुआ, 3 रिविजन हो गई, आपके कोई फॉर एग्जाम्पल हाफ ईयरली हुए या कोई भी आपके टर्म एग्जामिनेशन हुए, 4 रिविजन हो गई, आपका प्री बोर्ड हुआ, 5 रिविजन हो गई,
आपने प्री बोर्ड से पहले कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए उसको रिवाइज किया, 6 रिवीजन हो गई। और इस तरीके से कोई आप सैंपल पेपर होते हैं, सैंपल पेपर से मुराद कोई आपका प्री बोर्ड दूसरे कॉलेज या स्कूल या इस कोचिंग का तो पेपर होता है, वो आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो जाहिर है वहाँ पे आपके छोटे छोटे रिवीजन हो रहे होते हैं, 7-8 रिवीजन, और फाइनल आप बोर्ड के पेपर में जब जाके फाइनली रिवाइज करते हैं उसको, तो यहाँ तक आपके 7-8-10 रिवाइज हो चुके होते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो इस तरीके से आप रिवीजन करते हैं। तो ये सारा आपके पास तरीका होता है रिवाइज करने का। तो आप एक चेकलिस्ट बना दें। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि आपने डेली बेसिस पे ब्रेक कर दिया, ये आपको करना है अल्टीमेटली। अब कोई भी इंसान इस दुनिया में 100% कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी कोशिश होती है हम मैक्सिमम उसको फॉलो करें, 80-90% या 70-80% हम उसको फॉलो करें। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो लोग यहाँ पर अक्सर घबरा के आगे टाइम टेबल फॉलो करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अब वो पहाड़ बनना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, चेकलिस्ट अपनी बना सकते हैं, चेकलिस्ट बनाएं और जो जो होता जाए उसको चेक लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए कि आपके पास ये हो गया, इस चैप्टर से रिलेटेड ये हो गया, आज मुझे इतनी रिवीजन करनी थी, इतनी रिवीजन हो गई, तो वो सारी आप चेकलिस्ट बनाते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास इसी तरीके से जब ये सारी अब तक हमने तकरीबन 6-7 टिप्स कर ली है फॉलो, अब नेक्स्ट टिप के ऊपर बात करते हैं। 8th टिप है कि आपके पास जो भी आप कर रहे हैं उसको लिख के प्रैक्टिस करें। हैंड राइटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, अब जब आप उसको रिवाइज करें तो उसको लिख के लाजमी, पहली दफा रिवाइज का मतलब ही होता है कि आपने उसको अपनी हैंड राइटिंग में साफ सुथरे तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाए। बेशक आपके पास पहले से रजिस्टर के अंदर प्रॉपर नोट्स बने हुए थे उसके, आपने जब रिवाइज किया तो अब आप उसको लिख के चेक करते हैं, अपने आप को टेस्ट देते हैं। यही प्रैक्टिस कहलाती है। रिवीजन का मतलब सिर्फ दिमाग के अंदर रिवाइज करना नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना भी है। प्रैक्टिस करके आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो जाहिर है जब आप उसको पढ़ रहे हैं, आपने उसको रिवाइज कर लिया, आप उसको लिख के चेक करेंगे। जब आप लिख के चेक करें तो आपकी हैंड राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपके पास जो भी प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप और एग्जाम्पल पेपर दे के आते हैं, लेट सपोज मैं एक एग्जामिनर हूँ, आपको पेपर चेक कर रहा हूँ, अब मेरे पास पेपर आया, फॉर एग्जाम्पल 100 कॉपियाँ आ रही हैं, मेरे पास आपकी कॉपी आई, मैंने उसको पढ़ा, मुझे 2-3 कॉपीज के अलावा बाकी सारी गंदी हैंड राइटिंग में कॉपीज मिली। अब क्या होगा, मेरा मूड भी खराब होगा, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ रहा है कि इस बच्चे ने लिखा क्या है। मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो वर्डिंग क्या बना रहा है। बेशक सही लिखा है, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग इतनी गंदी कि जो लिखना चाह रहे वो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन वहीं पर आपका पेपर आता है और आपने जो भी सवाल का जवाब दिया वो प्रॉपर हैंड राइटिंग के अंदर दिया। अब यहाँ पर याद रखे, एक होती है अच्छी हैंड राइटिंग, खूबसूरत हैंड राइटिंग, जो कि देख के लगता है कि हाँ वर्ड वगैरह अल्फाबेट्स उसमें बहुत अच्छे से सारा काम बहुत बेहतरीन किया हुआ है। और एक होती है आपकी नीट हैंड राइटिंग, साफ सुथरी हैंड राइटिंग, जिसमें प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होती है। बेशक आपके जो लेटर्स हैं वो इतने अच्छे ना बनाने आते हो, आपकी राइटिंग बहुत अजीब हो गरीब हो, लेकिन आपकी स्पेसिंग प्रॉपर है, साफ सुथरी है, जो आपने लिखा है वो मुझे पढ़ने में समझ आ रहा है। तो इन हैंड राइटिंग्स को एक्स्ट्रा थोड़े से क्रेडिट मिल रहा होता है, मार्क्स एक्स्ट्रा मिले ना मिले, लेकिन जब आपका कोई काम पढ़ने में आ रहा हो, जाहिर है वो पढ़ने के बाद उसके लिहाज से मार्क्स भी मिलेंगे। अब एक बच्चा है जिसने काम प्रॉपर किया हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा है वो मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा। एक ये बात यही हो गई कि आपके पास कॉपी आई, एक बच्चे ने इंग्लिश में आंसर देना था, उसने इंग्लिश में लिखा, वहीं पे एक और बच्चा है जिसने उर्दू में आंसर दे दिया। अब मुझे तो इंग्लिश में आंसर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश समझ आती, उर्दू समझ ही नहीं आती। या आपने अरबी में आंसर लिख दिया, मुझे अरबी आती नहीं है, मैं आपको आंसर कैसे दूँ। तो कुछ लोगों की हैंड राइटिंग इतनी खराब होती है कि आप जब उसको पढ़ रहे होते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि उसने लिखा क्या है, तो जाहिर है वहां पे उसको मार्क्स नहीं मिल सकते। और आपकी हैंड राइटिंग अगर दूसरी साइड पे अच्छी होगी, साफ सुथरा काम होगा, पढ़ने में जो लिखा है वो समझ आ रहा होगा, तो फिर आपको थोड़े से 0.5-1 मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। तो आपकी हैंड राइटिंग साफ होगी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आप फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपेरेशन कर रहे हैं। अगर तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपेरेशन कर रहे हैं, जाहिर है वहाँ पे एमसीक्यूज है, वहाँ पे हैंड राइटिंग का इतना कोई बड़ा अमल दखल नहीं है, लेकिन हैंड राइटिंग फिर भी साफ सुथरी होनी चाहिए। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पर हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है। बेशक आपने आगे टिक ही करने हैं एमसीक्यूज, मेडिकल की फील्ड में ज़्यादातर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, तो वहाँ पर भी आपकी ज़्यादातर स्टूडेंट की हैंड राइटिंग खराब होती है। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हुई तो जाहिर है आप जब डॉक्टर बन चुके होंगे और बाद में आप अपने हॉस्पिटल में बैठ के पेशेंट की हिस्ट्री लिख रहे हैं या जो भी आपको उधर सबमिट करना है वो हैंड राइटिंग के थ्रू लिख के दे रहे हैं, तो वहाँ पर लोग आपकी हैंड राइटिंग को देख के आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, रश खाते हैं कि इतनी अच्छी है आपकी हैंड राइटिंग है। तो हैंड राइटिंग का साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, अगले बंदे को समझ आता है। तो यहाँ पर हैंड राइटिंग या प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है फॉर स्टूडेंट्स जिनको आगे एग्जाम्स के अंदर मार्क्स अच्छे लेने हैं। ये सारे बातें क्लियर होने के बाद अब सबसे अहम पॉइंट इस पूरी वीडियो का सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपको अपना
करने का रीजन पता होना चाहिए जो भी कर रहे हैं। यू मस्ट नो वॉट इज योर वाई, आप कर क्यों रहे हैं। नो योर वाई, ये जो वाई है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं 10th के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं 10th में क्यों बैठा हूँ, मुझे मैट्रिक क्लास अगर करनी है तो क्यों करनी है, मैं अगर कॉलेज में हूँ 11th 12th में हूँ, मैं क्यों बैठा हुआ हूँ, मेरा रीजन क्या है यहाँ पर कुछ करने का। जब तक आपको अपना रीजन क्लियर नहीं होगा, अपना वाई क्लियर नहीं होगा, आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। एक बच्चा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी परसेंटेज क्या आती है, वो सिर्फ बैठा हुआ है क्योंकि उसके अम्मा अब्बा ने बिठा दिया है 9th के अंदर 10th के अंदर 11th 12th के अंदर, बस बिठा दिया है कि पढ़ के निकलना। उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि बाकी वो जो काम कर रहा है उसमें उसका ज्यादा इंटरेस्ट है। बाकी जो काम कर रहा है उसके अंदर उसके पास अभी इस वक्त करंटली सारी फैसिलिटीज हैं, उसके पास मोटरसाइकिल भी है, उसके पास मोबाइल फोन भी है, वो अयाशियां करता है। तो ऐसे बच्चों के पास तो जाहिर है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो पढ़ेंगे क्यों। तो आपको पहले अपना वाई पता होना चाहिए कि आप क्यों यहाँ पर बैठे हैं। अगर आपको अपना वाई क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल आपने मैट्रिक के अंदर 9th 10th के अंदर आपने बहुत अच्छे परसेंटेज उठा के इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, हो सकता है आपकी परसेंटेज जो है अच्छी आए तो आपको गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज मिल जाए, वहाँ पर आपकी फीस के जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे। या अगर आपको कोई बहुत ही अच्छा प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर जाना है तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, आपके अच्छे खासे जो क्लास फेलोज होंगे वो अच्छी एंट्री से आएंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज जाने के लिए आपको इस कॉलेज में इतनी परसेंटेज चाहिए, तो आपको एक रीजन पता होगा, आपको पता होगा कि आपका फाइनल गोल क्या है, फाइनल टास्क क्या है, वो चीजें क्लियर होंगी। और इसी तरीके से आप अगर 11th 12th में थी तो आपको पता है कि आपने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना है, तो इस यूनिवर्सिटी के लिए, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए, तो अब मुझे यहाँ पर मेहनत करनी है पूरी इस सूबे की, या पूरे इस आप कहें कि शहर के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर आते हैं, इस पूरी जगह की जो क्रीम है वो इस यूनिवर्सिटी में जाती है, मेरा ख्वाब है उस जगह जाना। तो उस जगह जाने के लिए आपको फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी, वो मेहनत ही आपको पूरे साल टिक के बिठा के मेहनत करवाएगी। वो रीजन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि अभी आप ये मोबाइल पकड़ें और 2-3 घंटे बैठ के मूवी देखें, और वहीं पे मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूँ, मैं एक मार्कर उठा लूँ, वहीं पे मैं दूसरा ऑप्शन देता हूँ कि आपको यहाँ पर ये है कि आपने 2-3 घंटे बैठ के मूवी देखनी है, और यहाँ पर ऑप्शन है कि आपने 2-3 घंटे बैठ के पढ़ना है, आप अल्टीमेटली इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग खर्च होगा, और यहाँ पर आपके पास दिमाग खर्च नहीं हो रहा, यहाँ पर आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो गया। जो दिमाग के अंदर स्ट्रेस था कि मुझे अभी पढ़ना है, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मैंने अभी तक ये चैप्टर नहीं किया, मैंने अभी तक ये नहीं किया, वो आपके दिमाग में जो भी स्ट्रेस एंग्जाइटी जो कुछ भी बन रहा था, वो सारा का सारा आपकी मूवी जो जब आप जाएंगे देखने वो रिलीज हो जाएगा। तो वो जब रिलीज हो जाएगा तो कौन बेवकूफ़ है जो कि अभी इस वक्त 2-3 घंटे बैठ के पढ़ ले। पूरी फैमिली बैठ के अगर आपके पास टीवी देख रही है और सब एक जगह इकट्ठे हैं और मूवी देख रहे हैं, और आपको पता है कि आपके पास एग्जाम अगले महीने, तो आप अल्टीमेटली उनके साथ बैठ के देखना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर वहीं पे कल आपका पेपर हुआ तो पूरा घर क्यों ना, आप पूरे खानदान को उठा के मूवी दिखाने के लिए ना बिठा दें, आप सबको सिनेमा ले जाएं मूवी दिखाने के लिए, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे, आप बोलेंगे मेरा कल एग्जाम है, मैं कहीं नहीं हिल रहा, क्योंकि अब रीजन है, अब क्लैरिटी है कि कल पेपर है, अभी यहाँ चले गया तो कल पेपर में सत्यानाश होगा। तो अपना वाय पता होना चाहिए। और लास्ट चीज कि आपका जिंदगी में कोई भी प्लान बी नहीं होना चाहिए, जिंदगी के अंदर सेकंड ऑप्शंस हमेशा हटा दें, एक ही ऑप्शन है उसी के पीछे भागना है। अगर उस पे एट द एंड कामयाबी नहीं मिलती तो फिर सेकंड ऑप्शन पे बात होती है। अगर आपने पहले से ही अपने दिमाग के अंदर प्लान बी रख लिया है, सेकंड ऑप्शन रख लिया है, तो आप कभी भी प्लान ए को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, ये चीज़ है फॉर एग्जाम्पल 2-3 महीने बाद ये एग्जाम आ रहा है, अब इस एग्जाम की बेसिस पे आपको अच्छा स्कोर करेंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, उस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, अब वो लेट से यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिलेगी, या आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जहां पर आप वो एक्सपीरियंसेस लेके अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का स्टार्टअप कुछ भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये आपके पास बहुत बड़ी चीज नजर आ रही है, क्योंकि आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, अब आपने बोला कि मुझे यहाँ पर ये चीज करनी है, तो ये चीज करीब आ रही है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं इस चीज के लिए अब मेरे पास 4-5 साल होंगे, तो मैं यहाँ से उठ के ये रास्ता पकड़ के इधर आ जाऊंगा 4-5 साल बाद, और थकी हुई यूनिवर्सिटी सही, मैं मेहनत कर लूंगा। तो हो सकता है आप मेहनत कर लें, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जिंदगी आगे 40-50 साल, मैं तो कह रहा हूँ 100-150 साल आप जिंदा रहें,
आगे जिंदगी आगे बची है, आप जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन कंपटीशन में आना सीखें, चैलेंज लेना सीखें। ये आपके पास चैलेंज आ रहा है, 2-3 महीने में ये चीज आ रही है जिससे आप डर रहे हैं, इसको चैलेंज लें। ये चीज आपके सामने आई, अब इसको अगर आपने हरा दिया, आपने इस चीज से बढ़ के आप आगे चले गए, अब इस चीज को आप आगे यहाँ से जंप करके आ गए, आपने इसको अच्छे से कर लिया, बेशक आपके परसेंटेज जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर इधर तक जा रहे हैं और अगर इधर तक नहीं भी जा पाए तो एटलीस्ट आपने एफर्ट की है। जिंदगी में आपको आगे एफर्ट ही करनी है, पूरी जिंदगी एफर्ट करेंगे तो ही चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको प्लेट में ट्रे में सजा के चीज ऑटोमेटिकली मिल जाए, एफर्ट करनी पड़ेगी। कभी कभार अपना 100% बेस्ट देने के बाद भी आप नाकाम हो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपने एफर्ट की होती है। अब दोबारा जब आप उतनी मेहनत करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। अभी अगर आपको डर लग रहा है, आप दिन में 10 घंटे 12 घंटे बैठ के नहीं टिक के पढ़ सकते, तो अब जब आपके पास जिंदगी में आगे 10-12 घंटे टिक के बैठ के मेहनत करने की बारी आएगी तो आप वहां पर फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर ये जो आपका अभी लेवल है इस पे आपने अभी कुछ नहीं किया। अभी जब आप 9-10 में थे, 11-12 में थे, या यूनिवर्सिटी में थे, आपको 2-2 रातें जाग के काम करना अगर पड़ रहा था, आपको अपना पोटेंशियल इस उम्र में बनाना था, आपने अभी नहीं बनाया। जब एक्चुअल जिंदगी में आएंगे और वहां पर आपको 2-2 3-3 दिन कंटिन्यूअसली जागना पड़ेगा तो वहां पर आप फेल कर जाएंगे। तो ये जो लाइफ है इसके अंदर आपको तैयार किया जा रहा है, इसके अंदर आपको आगे की लाइफ, आगे की फ्यूचर के लिए हार्डवर्क कैसे करना है वो सिखाया जा रहा है। आगे चाहे जॉब करें, अपना बिजनेस करें, कुछ भी करें, आगे लाइफ में आसानियां नहीं होंगी, तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना है, अभी से अपने आप को तैयार करना है। तो कोई भी आपके पास चैलेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें, घर पे सबको बता दें कि मैंने इस साल बोर्ड में इतनी परसेंटेज लेनी है, मेरा ये 2 महीने बाद एग्जाम आ रहा है उसमें मेरा ये रिजल्ट आएगा, इससे ज्यादा आ सकता है, इससे कम नहीं आएगा। अपने घर में अनाउंस करें, घर के अलावा अपनी फैमिली के अलावा बाहर किसी को अनाउंस ना करें, क्योंकि वही बात कि पूरे यहाँ पर सारे शार्क बैठे हुए, आप बाहर ब्लीड कर गए तो हर कोई आपको खाने आ जाएगा। आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताएंगे उस वक्त तो आपके सारे हमदर्द होंगे, सब आपको सुन रहे होंगे, लेकिन आप ही के पीठ पीछे आपकी बुराइयां चल रही होंगी, आपके बारे में बुरा भला सोच रहे होंगे। एक बात जहन में रखें कि जो इंसान एक्सक्यूज करता है, एक्सक्यूजेस बनाता है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके एक्सक्यूजेस सुनने में। मेरे पास आप आके अपना रोना रोते रहेंगे, आप बोलेंगे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके इस चीज रोने धोने में। आपको मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा कि आप दिन में कितने घंटे बैठ के पढ़ते हैं, प्रोडक्टिव आवर्स आपके कितने हैं। आपको ये टास्क मैं दूंगा कि आपके पास 7 दिन है, आपको ये पूरा करना है, और अगर आप 7 दिन बाद मुंह लटका के आएंगे तो अल्टीमेटली आप जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकेंगे, आप पूरी जिंदगी रोते रहेंगे। तो आपको एक्शन लेना है, जो ये सारे मैंने आपको 9-10 टिप्स दिए हैं ये आपको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने हैं, क्योंकि जो भी इंसान जिंदगी में कुछ करना चाह रहा है, जो भी इंसान एग्जाम्स में टॉप करना चाह रहा है, जो कुछ भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जब नेचर ही इस तरह की होगी, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनी होगी, आपका हैबिट, आपका डेली स्ट्रक्चर, डेली पैटर्न ऐसा होगा, तो अल्टीमेटली आप कामयाब होके रहेंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई इसमें आपको अपने ऊपर शक नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पर आज की वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने 10 टिप्स दी हैं इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और आप अपनी जिंदगी में इनको अगर 60-70% भी इम्प्लीमेंट कर लें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। तो अगर जिंदगी में कभी भी आप अपने आप को फील करें कि आप डाउन हो रहे हैं, तो हमेशा अपने आप को खुद उठाएं। दुनिया में अगर कोई आपको ऊपर नहीं उठा रहा, इवन आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले आपको उस दिन डाउन फील करवा रहे हैं, तो अपने आप को खुद अच्छा फील करवाएं, क्योंकि आपसे गलती हुई है, आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन अपने आप को अच्छा फील करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है, और आगे, क्योंकि ये जो साल हैं आपके, ये जो आपके पास स्टडी करने का जो टाइम पीरियड है, वो आपका जो भी हो, 4 साल, 6 साल, 8 साल, जो भी है, उसमें आपको सिवाय स्टडी के, सिवाय पढ़ाई के, कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं दी। तो जो जिम्मेदारी आपको दे रखी है उस जिम्मेदारी को आप पूरा करेंगे तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे या किसी गैदरिंग में होंगे, किसी भी इवेंट में होंगे, तो वहां पर आज भी चाहे आप यूनिवर्सिटी में अच्छा चले जाएं, कुछ भी कर लें, आपसे पूछा जाएगा कि आपके इंटर में क्या परसेंटेज थी, आप यूनिवर्सिटी में होंगे क्या CGPA चल रही है, या जो भी आपका रिजल्ट है वो पूछ के आपको जज किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको अच्छा स्टूडेंट या उस अपने कैलिबर का, या इस तरीके से जज करने के बाद आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो अपने तरफ से जो आपको जिम्मेदारी दी है आपके पेरेंट्स ने, उसको अच्छे से पूरा करें, और फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपको कोई नई चीज़ सिखाते रहेंगे। चलें, अल्लाह हाफिज़।